They say when the Adam was thrown out of the heaven, it was not only the Adam in person he was thrown out of, but the piece of land also that was thrown out of the heaven. There are people who say that that piece of land is Kashmir. जी, मेरा नाम है शकील अहमद अहंगर। मैं रहता हूँ डिस्ट्रिक्ट शोपियान में और कश्मीर। मेरी जो कंट्री है वो है असली कश्मीर। इंडिया के साथ मैं इसको नहीं जोड़ूंगा। तो मेरे साथ, हमारे घर के साथ और मेरे साथ ये मतलब हादसा हुआ है। इस मतलब ये 29 और 30 मई की दरमियानी रात को हुआ। और आसिया और नीलूफर शाम के 5 बजे बाग में निकल गई है, यहाँ से निकल गई है बाग में, मतलब देखभाल करने के लिए बाग में। तो वहाँ से आसिया और नीलूफर जब यहाँ घर से निकली है, तो मैं तो बिल्कुल दुकान पे था, तो वो घर से निकली है, मतलब हम जाते थे महीने में या 15 दिन के बाद बाग में हम जाते हैं। तो आसिया और नीलूफर शाम 7:30 तक वापस नहीं आई। तो मैंने पहले, मैं घर आया तो मैंने घर से पूछा कि आसिया और नीलूफर कहाँ पे है। नीलूफर है मेरी वाइफ और आसिया है मेरी सिस्टर। तो मेरी दूसरी बहन थी घर में, रूमी जान है उसको, वो आसिया से बड़ी थी। तो उसको मैंने बोला ये कहाँ पे है नीलूफर। मैंने पहले नीलूफर को ढूंढा, तो उसने बोला नीलूफर और आसिया की है बाग में, आसिया। तो मैंने बोला कब, उन्होंने बोला 5 बजे है वो लगभग। तो मैंने बोला वो नहीं आई, उसने बोला अभी नहीं। तो मेरा छोटा भाई था उधर ही, आकिब है उसका नाम, आकिब को मैंने बोला भैया आप जाओ, वो आती होंगे उनके ज़रा मतलब आगे जाओ तो वो उधर से आते होंगे। तो आकिब भी गया तो 20-25 मिनट तक आकिब भी वापस नहीं आया था। तो आकिब, मैं तो बिल्कुल अब घबरा ही गया था थोड़ा कि मतलब आकिब भी क्यों नहीं आया। तो मैं भी निकला घर से बाइक लेकर। तो आकिब मुझे रास्ते में मिला, उधर से वो वापस आ रहा था बाग की तरफ से ही। तो मैंने बोला आकिब को कहाँ, आप क्यों इतना देर क्यों लगा। उसने बोला मैंने वहाँ पे मतलब बस स्टैंड तक आधे रास्ते तक उसने ढूंढा था, तो मुझे नहीं वो मिले। तो मैंने बोला अच्छा चढ़ो आप बाइक के पीछे। तो हम गए फिर खुद बाग तक। बिल्कुल जब हम बाग तक गए तो हमको रास्ते में भी कहीं नहीं मिले आसे और नीलूफर। तो फिर से हम ढूंढते वापस आ गए घर। हमने सोचा तब तक घर में आ गए। तो जब हम घर आ गए तो वहाँ पे नहीं थे घर में। तो फिर मैं निकल गया, तो तब तक अंधेरा हुआ था। हमने हर जगह ढूंढा, हर रास्ते मतलब जहाँ जहाँ से बाग के रास्ते जाते हैं बाग में ढूंढा। वहाँ से पड़ोसियों को भी पूछा, उन्होंने बोला नहीं वो तो गए लगभग 7:30 के करीब ही वो निकल गए बाग से। तो हमको वो रास्ते में कहीं नहीं मिले। फिर हम 10 बजे तक ऐसे ही ढूंढते रहे। 10:30 के बाद हम पुलिस स्टेशन गए। जब हमको वो नहीं मिले तो पुलिस स्टेशन वालों ने हमको बोला क्या बात। मैंने बोला ऐसे ऐसे नीलूफर और आसिया बाग में गए वापस नहीं आए। तो पुलिस वाले ने बोला आप चले जाओ घर, कोई बात नहीं, हम हर किसी अफसर को फ़ोन करेंगे, कोई बात नहीं होगा। तो
जब मैं घर पहुंच गया तो पुलिस वाले ने मुझे वापस फ़ोन किया कि बोला आप वापस आ जाओ। मैं तो अभी घर के बाहर ही था, तो वो जब मैं गया वापस पुलिस स्टेशन तो उसने बोला आपको हमारे साथ आना है, वो मुंशी था। तो मुंशी ने गाड़ी निकाली 407 की और उसने 5-8 आदमी दिए साथ, एक हेड कॉन्स्टेबल था मोहम्मद यासीन, वो उस पुलिस पार्टी का हेड था। तो हमने हर जगह ढूंढा तो उसको भी नहीं मिले। तो उसके बाद पुलिस ने बोला कि मतलब यहाँ तो कुछ नहीं है, पता नहीं, गुम होने का कोई रास्ता नहीं, कि उन्होंने किसी ने उठा लिया है उनको। तो हम तो ज़्यादा ही परेशान हो गए। तो उसको 2:30 बजे रात, जब हम रात के 2:30 बजे ढूंढ रहे थे, वहाँ नदी है वहाँ पे, मतलब हम ढूंढ, तो उसको आ गया फ़ोन उस यासीन को फिर, और यासीन फ़ोन कर रहा था, यस सर वो हमसे दूर भाग रहा था, तो और फ़ोन पे बात कर रहा था, पता नहीं क्या बातें कर रहा था, और तो वो हमसे दूर भाग गया। तो उसके बाद उसने बोला यासीन ने, ये जिम्मेदारी है पुलिस की, आप, हम चले जाएंगे वापस पुलिस स्टेशन। तो मैंने बोला नहीं, हम ढूंढेंगे उनको। उसने बोला नहीं, हमने गारंटी आपको दे दी तो हम जाएंगे घर। तो हम तो परेशान थे, तो हम अब हम घर आ गए, हम सोचते थे लाइट कब आएगी, तो हम लाइट का इंतज़ार कर रहे थे, मतलब जैसे मतलब एक रात उस दिन मतलब 1000 रातों की बराबर हो गई। तो जब सुबह लाइट आई, मैंने पुलिस स्टेशन फोन किया फिर इसी मुंशी को, मुंशी ने बोला हाँ, मैंने बोला लाइट तो आ गई, मैं आऊँ? उसने बोला हाँ आ जाओ। तो मैं जब गया तो पुलिस वाले मुझे गेट ही नहीं खोल रहे हैं, पूरी फैमिली लेकर फिर मैं गया तो वो मुझे गेट नहीं खोल रहे हैं, लगभग 1.5 घंटे तक, जब तक पूरे लोग चलने लगे मतलब रास्तों पर हर जगह, तो पुलिस वाले गेट नहीं खोल रहे हैं। तो अब हमने सोचा अरे भाई ये कोई गेट ही नहीं खोल रहे। तो हमने किया काम, हमने बोला चलो तब तक हम खुद जाएंगे ढूंढने। जब हम खुद चल रहे थे तो हम बटपुरा, वहाँ एक गांव आता है थोड़ा बटपुरा, तो वहाँ हम वहाँ पर पहुँचे नदी के मतलब पास ही, तो पीछे से एसएचओ की गाड़ी आ गई 5-6 आदमी। तो एसएचओ ने बोला शकील क्या बात है? मैंने बोला सर कल रात से आपको पता नहीं है? तो उसने बोला हाँ मुझे पता है। तो एसएचओ वहाँ पे एक पुल था, नदी का पुल, तो एसएचओ थोड़ा आगे चला तो उसने मुझे उंगली से दिखाया, वो है आपकी वाइफ, वो आपकी वाइफ है ना नीलोफर, ये है उसकी डेड बॉडी। तो सीधे उसने मुझे उंगली से दिखाया। तो हम तो दौड़ते सब गए उस सर, तो नीलोफर के सीने से कपड़े हटे हुए थे बिल्कुल, उसका हाथ एक ऊपर था, दूर से लग रहा था ये किसी को बुला रही है, इस तरह था हाथ, और उसको मतलब सीने पे बिल्कुल कपड़े हटाए हुए थे, और मतलब ऐसा बिल्कुल हाथ था, आंखें खुली हुई थी। तो वो बिल्कुल एक पत्थर पे लेट, ऐसी जैसी मतलब जैसे कोई सोता है ऐसी मतलब सुलाई हुई थी। तो जब हम उसके सामने पहुंचे, हमने उसको उठाया, तो मैं उसको चलाने लगा, नीलोफर उठो उठो, तो वो नीलोफर उठी नहीं। तो मैंने एक नजर और दे दी इस साइड, तो एम्बुलेंस खड़ी थी हॉस्पिटल की। तो मैंने सोचा भैया ये कहां से आ गई इतनी जल्दी एम्बुलेंस, और अभी तो एक मिनट भी नहीं हुआ। तो एसएचओ को उसके बाद हम लोग ढूंढने लगे आसिया को, तो पूरे लोग तब तक जमा हो गए। तो अब आसिया मतलब पता नहीं कहाँ थी। तो फिर लोग ढूंढते गए नीचे 1.5 किलोमीटर नीचे वहाँ से, तो आसिया बिल्कुल मतलब वहाँ से उठाई गई आसिया, इससे 1.5 किलोमीटर नीचे, और आसिया का मतलब बिल्कुल यहाँ पे कट था, ये बिल्कुल खून उतर रहा था, नोज से खून उतर रहा था, और उसको काफ़ी चेहरे पर जख्म थे, और बिल्कुल वो मतलब बाजरी पे रखी हुई थी आसिया भी, और बिल्कुल ऐसे मतलब जैसे नीचे सोते हैं ना, सर नीचे करके सुलाई हुई थी आसिया भी। तो पोस्टमार्टम चल रहा था, तो वहां पे मैं तो एक साइड में रो रहा था बिल्कुल, मुझे पता ही नहीं था अब क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो मैं बिल्कुल मतलब मेरे सामने और कुछ लड़के वड़के थे, तो वहाँ पे काफी भीड़ थी हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर नेगा जब ये पोस्टमार्टम के लिए, तो उन्होंने पोस्टमार्टम जब कंप्लीट किया, तो डॉक्टर नेगा था वापस आ रहे हैं पोस्टमार्टम रूम से, और DC VC सबके सामने। तो अब बोल रहे हैं DC VC उसका क्या बात है, मतलब क्या आपको दिखा? उसने ऐसे मतलब उसको ऐसे था दुपट्टा, यहाँ पे उसने दुपट्टा ऐसे नीचे उतारा और ऐसे मतलब चिल्लाने लगी, बोला इससे बेहतर है कश्मीरी लड़कियों को जिंदा ही जलाना है, इससे ये तो बिल्कुल लगता है जानवरों का खेल है।
तो इनके साथ मतलब गैंग रेप किया गया है और उसके बाद इनको मारा गया है। तो उसके बाद मतलब वहाँ पे शोर हुआ हॉस्पिटल में। तो जब एसपी ने ये बात सुनी और एसटीएफ वाले ने और सीआरपीएफ ने, तो फिर मतलब फिर उन्होंने शैलिंग की, फायरिंग की और लोगों को मारना पीटना शुरू किया, वहाँ पे भीड़ को ख़त्म किया। फिर मतलब फिर हमने डेड बॉडी लाई और हमने हमने उनको मतलब फिर वहाँ पे हमारी रस्म होती है मतलब स्नान वान देना, तो हमने स्नान वान दिया और फिर जनाजे के लिए हमने जनाजा पढ़ लिया। और उसके बाद उन्होंने सैंपल वैम्पल उठाए, डीसी के सामने सील किए। तो डीसी ने बोला ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं सुबह तक इस केस को निकाल के रहूँगा। तो अब हम मतलब पूरी फैमिली शॉक में ही थी। तो हम जब दफनाने के लिए उनको फिर बाद में गए, तो जब हम दफनाने के लिए गए कब्रिस्तान में, तो कब्रिस्तान हम दफना के आ गए, तो हम जब आ रहे हैं घर, तो हमारे घर के शीशे टूटे हुए थे, दरवाजे टूटे हुए थे। तो यहाँ पे औरतें ही थी बिल्कुल और बच्चे थे, मर्द तो पूरे कब्रिस्तान में थे। तो बच्चों को यहाँ बच्चों को किसी को हाथ तोड़ा गया था, किसी की टांग तोड़ी गई और औरतों को मारा गया। हमने बोला क्या, बोला एसपी और वो डीएसपी आ गए और सीआरपीएफ लेकर फोर्स, अगर आप चुप नहीं बैठे तो मैं आपको सबको मार दूंगा। तीसरे दिन हमारा होता है फातेखानी। हम फातेखानी, हमारा कब्रिस्तान यहाँ पास में ही है, तो हम फातेखानी के लिए घर से निकले। तो मतलब बुजुर्ग लोग ही थे, वो निकल गए। तो हमको उस एसपी ने कब्रिस्तान के गेट को लॉक रखा था हमारे, तो बोला मैं नहीं अंदर जाने दूंगा। उन्होंने बोला लोगों ने क्यों हमको क्या, उसने बोला अगर आप चुप नहीं बैठोगे आप मैं आपको सबको मारूंगा। Administered Kashmir Valley came to a standstill following the release of the result of a federal investigation into the death of two Muslim women. The Central Bureau of Investigations concluded on Monday that the two women were not murdered in the town of Shopian but drowned in a river. The women's families and residents of Shopian said on Monday they reject the Central Bureau of Investigations findings. The report presented by CBI is a clear cover-up to protect the guilty. This is an injustice. And I will take this case further. I want international intervention in this case. An autopsy report confirmed that the women were raped, and the government-appointed commission alleged that four police officers were involved in destroying some of the key evidences. They were later suspended and arrested. Shopian town, 50 kilometers from summer capital Srinagar, observed a 47-day shutdown and massive protests during which at least two people were killed and around 500 injured in clashes with police. Troops fighting separatist militants in Kashmir have been accused in the past of human rights violations, including rape and extrajudicial killings. However, authorities deny any systematic violation and say all reports are investigated and the guilty are punished. Kashmiri should never expect justice from the Indian agencies. Death due to drowning in a shallow stream is impossible. Indian forces were involved in this incident. The report has put cover to protect the guilty. I have been for 15 years in Indian jails, and I have been attacked by the occupying forces, by the Indian forces, more than one dozen times. They tried physically eliminate me. They are having powers that they can kill anybody without any trial, and they can rape any daughter, any sister, even our mothers also. So we are demanding that the occupation should be end, and that India should taken back to their forces, and then the Jammu and Kashmir, the whole state should be given to the United Nations for control,
and then the United Nations will arrange the plebiscite, the right to self-determination given to the people, so that the people will decide their destination and their future. This is the only solution. What is the alternative for we people to show our resentment against the Indian forcible occupation? What is the way? This is the only way for suppressed people to strike, to give the sacrifice of their economy, give the sacrifice of their jobs, give the sacrifice of their youth. But there is no alternative. आज तक देखो मतलब एक साल कंप्लीट हो रहा है, आज तक हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता हूं कि मतलब अब तो आसिया और नीलोफर का केस ही नहीं रहा। कम से कम अगर आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन करोगे, आपको लगेगा कि पता कि हिंदुस्तान हम पे कौन सा जुल्म कर रहा है, कश्मीरी आवाम पे कौन सा जुल्म कर रहा है। और फिर आप ही बोलो दुनिया के हम ताकतवर, दुनिया के ताकतवर मुल्कों से बोलेंगे क्या उसके बाद, क्या अब हम आजादी के लायक है कि नहीं है। Mirwais is a Persian word, which consists of two words. Mir means head, and wise means a priest. So I am the, you can say, the head priest or like a pope of the Muslims of Jammu and Kashmir. I became the Mirwais because my father, who was earlier the Mirwais, was assassinated in 1990 when the movement started, and then I took over the mantle of the Mirwais when I was quite young. I was 16 years old. As a Muslim, you know, I'm a leader of Kashmiri Muslim as a Mirwais. I say it very clearly and categorically, the Kashmiri struggle is not religiously driven. It's not a religious struggle against a minority, against any religion, against any community. It's a political problem, and we want a solution on political level. Not many people know that Kashmir is the world's highest military size zone vis-a-vis the population of ratio and the army is concerned. We have more than 450,000 troops of India in Jammu and Kashmir. There is every soldier for four Kashmiris. So this is the real face of Indian democracy. You know, I mean, they claim to be democratic and they claim to be champions of human rights, while the fact is that the Indian state is involved in gruesome violations of human rights day in and day out. Kardeşim.
Vitalistas of the people of the Jammu and Kashmir. I can go now, push me. I am sure. And in more breaking news now coming in, the JKLF chairman Yasin Malik has been arrested by the police while trying to lead a protest march towards Lal Chowk. Police used batons and tear gas shell to disperse the mob. Several JKLF protesters have also been arrested. I'm Yasin Malik, chairman of Jammu Kashmir Liberation Front, the organization which is fighting for a complete independence of Jammu and Kashmir. In 1988, we reached to the conclusion that there is no space for non-violent democratic movement. So we decided to start armed struggle in Kashmir. There were 6 life attempts on me. I was arrested more than 200 times. From 1990 up to now, there is no change. Every survey said more than 80-85% people want independent Kashmir in Kashmir. It is the moral responsibility of the international community. It is the moral responsibility of India and Pakistan now to resolve this issue. If these two states fail to resolve it and international community fails to do their perform their responsibilities in Kashmir, in that way maybe they will push another generation again to any kind of revolution. Это моя опинія.
तो जब हम मैं कल इस प्राइम मिनिस्टर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ये कहने के लिए गया था प्रेस कॉलोनी में, आप जब यहाँ पे कश्मीर में आए हैं, आपके यहाँ के कातिलों को पेट थप थप थपाने के लिए आए हैं, आपको हौसला देने के लिए आए हैं, तो मैं उसको यही कहने गया तो हमको अरेस्ट किया जा रहा है। हमको आप पुरामन, मतलब पुरामन कहाँ पे कोई प्रोटेस्ट करने नहीं देते हैं, हमको अपनी बात तक नहीं पहुंचा। हमको मैं कल पुलिस स्टेशन में दिन भर था, मेरी फैमिली, मेरा बच्चा भी बंद था बिल्कुल कल दिन, आज आपने पेपरों में पढ़ा होगा। और हमको इंडिया की कोई भी, मतलब कोई भी एजेंसी, मतलब अब मंजूर नहीं है ना, हमको इंडिया की हुक्मरान यहाँ पे जरूरत की जरूरत है। क्यों, हम नहीं आजाद रह सकते हैं, हमको आजादी की हक नहीं है। मैं दुनिया को बोलना चाहता हूँ, क्यों क्या अब हम और कितने माँ बहनों का खून देंगे, अब हम कितनी को असमत देंगे, और अब कितने जवानों को हिंदुस्तान यहाँ पे गायब कर देगा, फिर हम उनके बाग में उनकी हड्डियां उठाते हैं। When you take all these things in consideration, you can imagine, you can draw a picture that how brutal India is here in Kashmir, how much brutality they are doing towards the people, how many girls and our sisters have been raped, how many houses have been blown by the bombs or by the grenades, and how many youths are still languishing in the jails or in interrogation centers. Are disappeared. It's my request to the intellectual world, at least think. We come from a very tiny, small place, but please think that at least we are humans. Treat us like humans.